नमस्कार, यूथ कर्नल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से। योगा अभ्यास के द्वारा योग के प्रति किया गया जागरूक। खबर विस्तार से। जीवन में नियमित रूप से योग को अपनाने और उसके महत्व पर चर्चा करने के लिए 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के काउंटडाउन योग दिवस में 39 दिन शेष हैं पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा आज एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज झलवा प्रयागराज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक सुनील कुमार शुक्ल ने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से मनुष्य को शारीरिक व मानसिक लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि 21 जून को योग दिवस मनाने पर विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने एक भाषण के दौरान प्रस्तावित किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की और 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमित सुबह और शाम को योगाभ्यास करके विभिन्न बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के मनोज मिश्रा डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी ने कहा कि तनाव मुक्त होने और प्रगतिशील होने के लिए योग और ध्यान को अपनाने से जीवन का हिस्सा बनाकर चलने से जीवन सुखमय व्यतीत किया जा सकता है। ब्रजेश मिश्रा एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि शरीर की कई बीमारियों को दूर करने का योग एक प्राकृतिक तरीका है। योग सिर्फ मन को खुशहाल एवं मस्तिष्क को शांत नहीं रखता बल्कि विकारों को दूर करने एवं शरीर को स्वस्थ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉलेज के जूनियर वर्ग की प्रधानाचार्य शिखा मिश्रा द्वारा कार्यक्रम की सराहना करते हुए आए हुए आगंतुकों का स्वागत किया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज के उप निदेशक आरिफ हुसैन रिजवी ने अतिथियों व छात्राओं का स्वागत करते हुए कहा कि योग एक कला है जो हमारे शरीर मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर उसे मजबूत बनाने का कार्य करता है। नियमित योगाभ्यास से कई बीमारियों से धीरे धीरे छुटकारा पाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के बीच अलग अलग वर्गों में आयोजित पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में कुल 12 विजयी प्रतिभागियों व राम मूर्त विश्वकर्मा वरिष्ठ सहायक द्वारा योग पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 3 विजेता प्रतिभागियों को विभाग की ओर से अतिथियों द्वारा पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण कुमार सत्यार्थी लोक गीत एंड पार्टी व योगेंद्र जादूगर एंड पार्टी प्रयागराज द्वारा संदेश मूलक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिविका अग्रवाल पीटी टीचर अन्य द्वारा छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के दौरान हर्ष अग्रहरी, शांति जोशी, सौम्या मिश्रा, चेतन उपाध्याय सहित अध्यापकगण उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों को न्यू इंडिया समाचार व योग पर आधारित प्रचार सामग्री वितरित की गई।
जागरूकता सारे लोगों में फैले, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, ये सारे लोगों के लिए जरूरी है। और इस जागरूकता अभियान का यह एक शुरुआत है और यह एक कार्यक्रम है जो कि क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रयागराज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस आयोजन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाऊं। और यह एक ऐसा विषय है कि जो आज के डेट में बहुत ही कॉमन है, ये योग सबके लिए जरूरी है, ये योग